Hi, Vince Math, it must be Maths by Amiya. Welcome again to the world of Maths by Amiya. तो आपके सामने थंबनेल में एक प्रीमियम क्वेश्चन था. प्रीमियम मीन्स एक ऐसा क्वेश्चन जिसमें कॉन्सेप्ट के अंदर ही कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है. एंड क्वेश्चन अभी भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा है. ये द प्रीमियम क्वेश्चन फॉर SSC, CAT, JAT, IIFT सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन देख सकते हैं, देखे हैं, दिख सकते हैं और दिखते रहेंगे. तो मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को कीजिए पॉज और इस क्वेश्चन को कीजिए सॉल्व. सो आई होप आपने वीडियो को पॉज किया होगा. क्वेश्चन में क्या है, आपका एक्स का एक वैल्यू दिया हुआ है, एक एक्सप्रेशन निकालना है. पहली बार देखने में ये दिखता है क्वेश्चन है अलजेब्रा का, बट जब दूसरी बार देखोगे तो एक्स का वैल्यू लिखा हुआ है 3 + 1/√2. ये किसी भी कीमत में आपको अलजेब्रा तो नहीं दिखता है. अगर ये आपको अलजेब्रा दिखता है तो कहीं ना कहीं आपकी आई साइट में प्रॉब्लम है. कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट के जो आपका डायोप्टर है ना, पावर जो होता है, लेंस का पावर क्या होता है, डायोप्टर. तो दिमाग का जो डायोप्टर है कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है. इसी चीज को हम सीखना चाहते हैं और आप में इनकल्केट करना चाहते हैं. दिस वन इज नॉट द अलजेब्रा, दिस वन इज ट्रिगो. √3 + 1/√2 कौन सा ट्रिगो है? √3 + 1/√2 इज एक्चुअली इक्वल टू cos 15 degree. ये cos 15 degree है. अब सारे टर्म्स को देखना, पहले मैं डिनोमिनेटर को आपको दिखाना चाहता हूं. क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, वो क्या लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर लिखा हुआ है 2x²-1. अब x को मैं cos 15 से अगर रिप्लेस कर दूं तो 2 cos²-1 क्या होता है? तो आपको पता है 2 cos²-1 इज एक्चुअली इक्वल टू cos 2θ. यहां अगर मैं 15 डाल दूं तो ये दिखेगा, एक्चुअली ये दिखेगा दिस वैल्यू इज cos 2θ इज cos 30 degree. सो बहुत सिंपल सा है ना. x को आप cos 15 मानो और यहां प्लॉट कर दो, तो जब भी अगर आपको ट्रिग्नोमेटिकल वैल्यू इन अलजेब्रा दिखता है तो एक्चुअली वो अलजेब्रा का क्वेश्चन नहीं होता, वो ट्रिगो का क्वेश्चन होता है. तो 2 cos²-15 - 1 इज मेरा दिया हुआ है cos 2θ. ऊपर में क्या लिखा हुआ है? ऊपर में लिखा हुआ है 2x. x का मतलब cos 15 degree. एंड अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है? 1 - x², 1 - cos² आखिर होता क्या है? 1 - cos² मुझको पता है बॉस, ये होता है sin². sin² और रूट हटेगा तो ये हट जाएगा और ये क्या बचेगा? sin 15. क्या आपको ये फॉर्मूला याद है कुछ? 2 sin एंड cos एक साथ अगर प्रोडक्ट होता है तो ये होता है sin 2θ. तो ये जो मेरा बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरा sin 2θ मीन्स 30. sin 30 / cos 30 क्या आपको याद है? ये होता है tan 30. tan 30 आपको याद है? tan 30 होता है √3. √3 का वैल्यू आपको याद होगा 1.73. 1/√3 आप भूल चुके होंगे, तो प्लीज 1/√3 भी याद रखिए. 0.577 समथिंग होता है, विच इज अप्रॉक्स इक्वल टू 0.58. और यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का. तो कभी भी अलजेब्रा में कुछ उटपटांग टर्म्स दिखे जो ट्रिगो की तरह दिखता है, यूज ट्रिगो एंड ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन. बहुत जल्द बहुत इजीली सॉल्व होता है. और मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके आप अपने नोटबुक में नोट करो. मैथ्स पे एमईए फोल्डर अगर बनाए हो तो उसमें डाल लो और अपना बेस्ट देते रहो. मैं तैयार हूं बेस्ट देने के लिए. क्या आप तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए बहुत जल्द. एंड इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द कोर्सेज, सारे कोर्सेज को आप देख सकते हो threelearning.in पे, या जो नंबर्स आपका डिस्क्रिप्शन में दिया है आप उसमें भी बात कर सकते हो. और अपना बेस्ट देने के तैयार रहिए. मिलते हैं क्वेश्चन के साथ बहुत जल्द आपके प्रिपरेशन के लिए, आपके लिए. बाय बाय, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी लर्निंग.